आगर मालवा जिले में एक दलित महिला ने सुसनेर थाने के दो पुलिसकर्मियों सहित एक अन्य पर बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने मामले में जिला पुलिस अधीक्षक राकेश सगर को लिखित में शिकायत की है। आगर एसपी ने सुसनेर एसडीओपी को जांच सौंपी है। दलित महिला ने 8 जून को सुसनेर के सुनसान इलाके में रात 12 बजे शराब के नशे में पुलिसकर्मियों द्वारा वारदात करने का आरोप लगाया है। महिला द्वारा दिए आवेदन के अनुसार एक अन्य केस में जांच के नाम पर बुलाकर रात में उसके साथ बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया है। आवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार दलित महिला द्वारा 4 जून को एक अन्य व्यक्ति पर गिरवी रखे गहने नहीं देने का आवेदन दिया था, जिस पर सुसनेर पुलिस द्वारा जाँच की जा रही थी। इस दौरान 8 जून को घर में बच्चों के साथ अकेली रह रही महिला के घर पर देर रात सुसनेर पुलिस के 2 जवान व एक अन्य साथी पहुंचे और बड़े पुलिस अधिकारी से मिलाने का बहाना बनाकर सुनसान इलाके में ले गए, जहां पर शराब के नशे में उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया गया। पूरे मामले की शिकायत महिला द्वारा आगर एसपी से की गई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। एडीओ साहब कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं, जब फरियादी खुद आवेदन दे रही है, बोल रही है, मीडिया के सामने बोल रही है, सभी लोगों के सामने बोल रही है, एसपी साहब के सामने बोला जाके एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं और जांच करने की बात कर रहे हैं। आपने अभी तक क्या जांच की है? क्या उनका मेडिकल परीक्षण कराया अपने पुलिस वालों का? आप उन पुलिस वालों का मेडिकल कराइए, अभी तत्काल उनको गाड़ी में बिठाएं, मेडिकल कराएं। महिला सही है गलत है इसका पता चल जाएगा। आप उन्हें कहाँ लोकेशन ट्रेस कर लीजिए, एक घंटे में लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। उसके बाद भी ना तो आप कहाँ लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, ना सिर्फ लिपापोती करने का काम कर रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश की ये बहुत बड़ी घटना है। मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में आज तक कहीं पे भी ऐसा सुनने में नहीं आया होगा। कहीं कहीं एक और घटना हुई होगी जहाँ पर पुलिस वालों द्वारा हरी एससी की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और ये निंदनीय है। कठोर शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। इस पूरे मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। जांच के नाम पर पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज न होने पर आगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित कांग्रेसियों के प्रतिनिधि मंडल ने भी एसडीओपी सुसनेर से मुलाकात की और पुलिस पर महिला को डराने का भी आरोप लगाया। वहीं साथ ही कार्यवाही नहीं होने पर पूरे मामले को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ व दिग्विजय सिंह के संज्ञान में लाकर पूरे प्रदेश में उठाने की भी बात कही। हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि आगर जिले के सुसनेर थाना के अंतर्गत एक एससी महिला का पुलिस वालों के द्वारा गैंगरेप किया गया, जिसमें पीड़िता ने आवेदन दिया। जब थाने पे गई तो थाने पे उसको वहाँ से भगा दिया गया। वो एसपी साहब के पास आगर जाके उन्होंने आवेदन दिया, उन्होंने पूरी घटना उनको बताई कि 8 जून की रात को बड़ो अपने सुसनेर थाने के पुलिस वाले उनको गाड़ी में बिठा के उनके घर गए, क्योंकि उन्होंने पहले 4 तारीख को एक उन्होंने थाने में एक आवेदन दिया था, एक शिकायतन उस जिसकी शिकायत उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी की थी। उसको लेकर पुलिस वाले उनको घर गए और बोले कि आपके बयान लेने हैं और 11 बजे उनको लेकर आए। उनके साथ में 2 पुलिस वाले और थे, एक का नाम उन्होंने नाम हमको बताया, जो कि रात में उन्होंने गाड़ी में 2 लोगों ने गाड़ी में उनके साथ में रेप किया। एक और जो व्यक्ति था उन्होंने भी बाद में रेप किया। इस प्रकार की घटना जब घटित हुई, इसकी जानकारी जब हमको लगी, मेरा महिला से संपर्क हुआ, महिला ने मुझे पूरी घटना बताई जिसका रिकॉर्डिंग सबूत मेरे पास मौजूद है। फिर उसके भाई से उन्होंने, जो कि पास के ही गांव में रहते हैं, उनसे बात कराई। उनके भाई ने बोला कि मेरी बहन के साथ में ऐसा ऐसा हुआ, हमारी कोई नहीं सुनवाई कर रहा और मामले को पूरी तरह दबाया जा रहा। मैं कहना चाहता हूं कि जब इस संबंध में मैंने रात को सुसनेर थाने प्रभारी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मैं तो छुट्टी पे हूँ, एसडीओपी साहब से संपर्क करने की कोशिश की मगर उनसे संपर्क नहीं हो पाया। फिर सुबह महिला के भाई का फ़ोन आया कि साहब मैं सुसनेर आ रहा हूँ और मेरी बहन को कुछ लोग जाके प्रलोभन दे दिया जा रहा है पुलिस वालों के द्वारा, जो कि आरोपी हैं उनके द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, उनके द्वारा उनके कुछ लोगों को भेजा जा रहा है, इस तरह के उसके भाई ने बताया महिला का। उसके बाद तत्काल मेरे पास फ़ोन आया जिसके
पर्याप्त सबूत मेरे पास उपलब्ध है, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है कि पुलिस वाले और कुछ लोग मेरे पास आ रहे हैं, मुझे डराया धमकाया जा रहा है और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने आवेदन एसपी साहब को कल आगरा के दिया था, उसके बाद भी मेरे प्रकरण में कोई एफआईआर थाने पे दर्ज नहीं की जा रही है। मैंने महिला से बोला कि आप चिंता ना करें, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, हम सत्य की लड़ाई लड़ेंगे। मैं वहाँ से सुसनेर आया, हमारे सभी वरिष्ठ साथियों को नेताओं को साथ लिया। जब मैं सुसनेर पहुँचा तो उसके पहले ही महिला घर से डर के मारे रेस्ट हाउस से आगे लगभग 3 किलोमीटर दूर जंगल में उसके भाई के साथ खड़ी थी। मुझे उसके भाई का फिर फोन आया कि भैया वहाँ पे हमारे घर पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, डराया चमकाया जा रहा है, हम यहाँ पे आके खड़े हैं। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी है। मैं जैसे ही वहाँ से आया वो लोग रोड पर आ गए। फिर मैंने कहा आप चिंता ना करें, पूरी तरह से आपको न्याय मिलेगा, हम आपकी बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, एसपी से बात करेंगे। और जब मैंने उनको लेके उनको बोला कि आप चलिए हम रेस्ट हाउस में चलते हैं, रेस्ट हाउस पर हम आए, मैं महिलाओं से हमने चर्चा की, मीडिया के साथी भी वहाँ मौजूद थे, उनके सामने महिला ने अपनी आपबीती सुनाई। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का पहली घटनाक्रम होगी जहाँ पर एक हरिजन महिला के साथ, एससी की महिला के साथ पुलिस वालों के द्वारा गैंग रेप किया गया। क्यों इतने दिन तक, 3 दिन हो गए आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई? क्या पुलिस अपराध करती है तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है? जब एक सामान्य व्यक्ति अगर कोई भी अगर झूठा प्रकरण भी अगर थाने में जाता है तो उसको 3-3 दिन तक बिठाया जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। निश्चित तौर पर गंभीर घटना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूँ और अनुरोध करना चाहता हूँ कि शिवराज जी, आप कहते हैं कि मेरी बहन भांजी हैं, आपके सिर पर शिवराज सिंह जी चौहान का हाथ है। शिवराज सिंह जी, आपके पुलिस वाले ही रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं और अभी तक एसपी साहब ने कायमी क्यों नहीं कराई? एसपी साहब ने तत्काल कायमी कराना थी, उन पुलिस वालों का मेडिकल करवाना था। महिला से मेरी बात हुई है, उसमें महिला ने बोला कि मैं मेडिकल के तैयार हूँ, पुलिस वालों का मेडिकल भी करवाओ और ये सत्य घटना है। जब मेडिकल क्यों नहीं कराया? अगर वो महिला कह रही कि रात की 12 बजे मच्छी मार्केट में वो पुलिस वाले जिस जगह गाड़ी खड़ी थी, वो महिला ने उसमें पूरा आवेदन में भी लिखा, हम लोगों को भी बाय प्रूफ उन्होंने बताया, तो अभी तक उनकी कार लोकेशन ट्रेस क्यों नहीं की गई? अगर आप कार लोकेशन ट्रेस करेंगे तो रात की 12 बजे आपके पुलिस वाले क्या करने गए थे, क्यों उस महिला के घर गए थे, क्या महिला सत्य बोल रही झूठ बोल रही? उन्होंने रात के शराब के नशे में थे और उसके बाद भी मध्य प्रदेश में ऐसी घटना बहुत ही निंदनीय है और इस बात के लिए मैं निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान जी को दोषी मानता हूं कि आपको तत्काल एक्शन लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी, और आपके पुलिस कप्तान महोदय जो बैठे हुए हैं जिले में उनको अभी तक चिंता नहीं है। मेरी अभी भी चर्चा हुई कि अध्यक्ष जी हम जांच कर रहे हैं, कौन सी जांच कर रहे हैं आप? अगर आप गरीबों के साथ न्याय नहीं करेंगे, एससी वर्ग के लोगों की महिलाओं के साथ अगर यहाँ पर अत्याचार हो रहा और वो भी पुलिस वाले उनके साथ गैंग रेप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको तत्काल उन पुलिस वालों को, और वो पुलिस वाले आज भी उसी पद पर मौजूद हैं, वो थाने सुस्कर में काम कर रहे हैं और महिलाओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस मामले को हम आगे बढ़ाएंगे और महिला की इस लड़ाई में पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी कमलनाथ जी से भी मैं आज चर्चा करूँगा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से भी, और आवश्यकता पड़ने पर पूरी कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। और मेरा तो अनुरोध है, ये कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है, ये सरकार विपक्ष पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, ये एक एससी वर्ग की महिला का, महिला के आत्मसम्मान का मामला है। और निश्चित तौर पर हर जागरूक नागरिक को आगे आना होगा और निश्चित तौर पर दोषियों को सजा मिले और तत्काल मिलना चाहिए, उनकी तत्काल कायमी होना चाहिए, कायमी होकर उनकी गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए और उनको तत्काल, परंतु जेल भेजने की तो दूर की बात है, उनको थाने में ही पदस्थ कर रखा है और वो दादागिरी के साथ में उस महिला को, पीड़िता को डराया धमकाया जा रहा है, उनके परिवारजनों को डराया धमकाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या है पूरा मामला, कांग्रेस ने भी आपको? ये पिंकी नाम की महिला है, ये मुझे कल शाम को ही एक आवेदन प्राप्त हुआ है, अभी मैंने उनको नोटिस दिया है, अभी बुला के उनके स्टेटमेंट लेंगे और जो भी घटना होगी उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, यदि जैसा ऐसा सुनने में आ रहा महिला झूठा आरोप भी लगा रही है, तो यदि झूठा होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी? या फिर वो हमारे सामने आए कि एक महिला सब इंस्पेक्टर को हमने बुलाया है, उन्हीं के सामने हम स्टेटमेंट लेंगे, जो भी बयान होंगे उस टाइम से कार्रवाई करेंगे। जैसे महिला
महिला झूठी निकलती है। स्टेटमेंट में जो भी आएगा हम उचित कार्रवाई करेंगे। सर शिकायत क्या है पूरी? शिकायत के आवेदन में क्या महिला ने क्या लिखा है? महिला ने लिखा है कि मेरे को जांच के बहाने बुलाया और मेरे साथ ऐसी घटना घटित की, ये शिकायत है। तीनों लोगों की है सर, कितने लोगों का बुलाना है? दो पुलिस जवान का बता रही हूँ। सर इसी से मतलब जैसे किस तरह की छेड़छाड़ की घटना हुई है या किस तरह की शिकायत? उसके साथ घटना घटित हुई बलात्कार का आवेदन में तो दिया है और थाने में इस टाइप की रिपोर्ट लेके महिला नहीं आई अभी तक, ना मेरे सामने आई है और ना थाने में आई है। थाने में 4 जून को आपसी लेन देन के संबंध में एक शिकायत आवेदन दिया था। क्या न्यूज के लिए सुसनेर से राकेश बिकुंदिया की रिपोर्ट।